पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने यमुना मैया के किनारे बड़ी सुंदर जगह का निर्माण किया। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी माता बातें नहीं करो। पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह का निर्माण किया, जहां वसंत ऋतु छाई हुई है और आधी रात के समय भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली को बजाना प्रारंभ किया। आधी रात के समय भगवान कन्हैया ने मुरली बजाई तो ऐसी मुरली बजाई कि मुरली की आवाज गोपियों के कान में पहुंची तो गोपियां गोपियों को ये याद नहीं रहा कि हम कर तो कर क्या रहे हैं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कान की चीज नाक में पहनी, नाक की चीज खान में पहनी, ये पता ही नहीं है कि हम कर तो कर क्या रहे हैं। कोई भोजन बना रही थी तो रोटी लेके कन्हैया के पास पहुंच गई। उलटे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियों ने राजी न भई घर रहने को। पतियों ने बहुत रोका, सब गोपियां भाग करके यमुना मैया के किनारे पहुंची थी। महाराज शुरू हुआ, जितनी गोपी उतने ही कन्हैया, पर किसी गोपी को ये मालूम नहीं है कि कन्हैया मेरे पास है, दूसरी के पास है या नहीं। महाराज जब यमुना मैया के किनारे होने लगा तो कौन कौन जा रहा महाराज देखने? कौन कौन जा रहा महाराज देखने के लिए? हो इंद्राणी ब्रह्माणी सज के लाओ गोपी को रूप बनाए, पार्वती अकली उठ धाई। तब शंकर ने कही सुनाए आधी रात छोड़ के मोको, कहां को चल गई नारे हमारे के मन में और बसी है। कहाँ को चल गई नारी हमार के मन में और बसी है, के कहूँ और तको वरदार सुन के बानी शिव शंकर की। सखियां कर रही मंगल चार डटो कन्हैया उनके संग में, सोने नन भरिया निहारी डटो कन्हैया उनके संग में। सखियां कर रही मंगल चार डटो कन्हैया उनके संग में।
ओल वृंदावन बिहारी लाल की जय।